तो एशिया कप के पहले मैच जो कि पाकिस्तान और नेपाल के बीच में होने वाला है, इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग वीडियो के लास्ट तक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपको जो है वो टीम सेलेक्ट करना है, कौन सा कम्बिनेशन जो है वो अच्छा रहेगा, और किस तरीके से जो है आप बढ़िया सा इसमें एक फैंटेसी लीग बना सकते हो, या फिर आप विनर सेशन एंट्री खेलना चाहते हो तो कैसे है आप एक बढ़िया सा जो है प्रॉफिट आप इसमें उठा सकते हो, इसको हम लोग डिटेल्स में जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का नंबर और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो, और वहाँ पे आपको विनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएगा, साथ में आप ड्रीम इलेवन से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहते हो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि नेपाल जो है अभी ODI फॉर्मेट में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एशिया कप में, और एशिया कप जो है काफ़ी सालों बाद आपको ODI फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, यानी कि जो मैच का ड्यूरेशन रहेगा वो आपको जो है मिनिमम 4 से 5 घंटे तक जो है वो रखने का रहेगा ही, मैक्सिमम जो है वो 6 आवर्स तक जा सकता है, मिनिमम 4 घंटे तक, क्योंकि अगर अगर एक कमज़ोर और एक स्ट्रॉन्ग टीम खेल रही है तो वे जो है एक स्ट्रॉन्ग टीम अगर खेलेगी तो पहले इनिंग में अगर खेलते रह गई तो आपको जो है 3 घंटे आराम से जो है वो निकल जाएगा, और उसके बाद से अगर दूसरी टीम आती है 1 घंटे में ऑल आउट होती है तो भी जो है 4 घंटे के आसपास जो है मैसेज नॉर्मली चल सकता है, और हाईएस्ट जो आप देखोगे 6 घंटे के आसपास जो है ही चलेगा। तब बात करते हैं जो पहला मैच होने वाला है नेपाल के लिए, जो है ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो है क्वालिफाई करके और बड़ी बड़ी टीमों का जो है वो सामना करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे इंडिविजुअल देखोगे ना तो ये बायलैटरल मैचेस जो है बहुत सारा खेल नहीं पाएंगे बड़ी टीमों से, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इनसे जो है बायलैटरल टीम मैचेस जल्दी से खेलना थोड़ा सा मुश्किल है, वो भी खासकर जो इनकी स्ट्रॉन्ग टीम होती है उसके साथ, अगर बायलैटरल मैचेस कभी होगी भी होगी नहीं तो वैसे में देखोगे जो बी टीम है वो जो है वो दोनों टीमें भेजेंगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका है नेपाल को जो अपने आप के लिए साबित करने का। तो अभी ये जो पहला मैच होगा ये आपको लाहौर में मुल्तान में देखने को मिलेगा, तो अब मुल्तान का पिच रिपोर्ट जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो जो है आप वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हो। और उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से जो है प्लेयर कम्बिनेशन देखने हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसके बारे में जो है डिटेल्स जो है वो जान लो। अगर डिटेल्स से हमने बात करते तो आप देखोगे ना तो रिसेंट के जो इनके कुछ मैचेस हुए, जैसे पाकिस्तान की अगर हमने बात करते हैं तो रिसेंट के 5 मैच में से 4 जीता है, और नेपाल की अगर बात करते हैं तो रिसेंट के 5 मैच में से 2 जीता है 3 हारा है। अब इनके रिसेंट के मैचेस आप देखना चाहते हो कि किसके साथ इन लोग खेले हैं तो आप वो भी आप देख सकते हो, जैसे पाकिस्तान की अगर हमने बात करते हैं तो पाकिस्तान का देखोगे तो यहाँ पे मैचेज अफगानिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ, और उसके बाद से फिर से जो है एक मैच न्यूजीलैंड के साथ जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यही अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि नेपाल का किसी के साथ मैचेस खेला है तो नेपाल का देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये इनके मैसेज जो है आयरलैंड के साथ है, UAE के साथ है, फिर नीदरलैंड के साथ है, वेस्ट इंडीज़ के साथ है, तो ये जो है इनके मैसेज कुछ रहे हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तब बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग वेन्यू के बारे में थोड़ा सा मुल्तान को बताते हैं, मुल्तान को हमने बताया था कि ये जो है एक बैटिंग ग्राउंड पिच आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जहाँ पे पेस बॉलर को जो है थोड़ा सा नेतृत्व मिलेगा, और स्पिनर को उन्होंने बोला था कि पिचेज जो है ना थोड़ी सपाट टाइप की रहती है, तो वैसे से भी स्पिनर का जो है बेनिफिट यहाँ पे थोड़ा सा कम मिलता है। एवरेज रन आप देखोगे तो यहाँ पे रिसेंट के जो 5 मैचेस है उसमें आप देखोगे तो कितना है 139 है, और टोटल विकेट आप देखोगे तो 78 विकेट जो गिरा, जिनमें से स्पिनर ने जो है वो थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट जरूर डाला है, 37 विकेट मिला है प्रीवियस 5 मैचों में, और 41 जो है फास्ट बॉलर ने जो है वो लिया है। तो ये जो है डिटेल्स है। अब हम लोग बात करते हैं कि टीम जो है आपको किस तरीके से सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक कम्बिनेशन कौन कौन सा जो है लेके चलना है। सबसे पहले अगर कम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसमें 2 कम्बिनेशन अगर आप 6 या 5 कम्बिनेशन लेके जाते हो तो भी जो है वो ठीक है, लेकिन ऐसे सिनेरियो में जो है हमें 7 और 4 का कम्बिनेशन जो है वो प्रेफर करना चाहिए, यानी कि हम जब टीम बनाते हैं तो 7 प्लेयर जो है जो स्ट्रॉन्ग टीम है उससे लेंगे, 4 जो है जो भी वीक टीम है उससे लेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो पाकिस्तान से हम लोग 7 प्लेयर लेने वाले हैं, और नेपाल से हम लोग 4 प्लेयर लेने वाले हैं, इस सिनेरियो में जो है आपको यहाँ पर टीम बनाने की जो हम लोग कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं तो विकेट कीपर में देखोगे ना तो पाकिस्तान की तरफ से जो है 2 विकेट कीपर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक तो रिजवान और एक जो है हारिस, और दोनों के चांसेस है कि दोनों जो है प्लेइंग में रहेंगे, अगर दोनों प्लेइंग में रहते हैं तो हम लोग दोनों को जो है पिक करने की कोशिश करेंगे। और यही अगर हम नेपाल की बात करें तो आरिफ शेख का परफॉर्मेंस जो अगर देखोगे रिसेंट के जो इनके क्वालिफायर मैचेस थे उसमें ठीक ठाक देखने को मिलेगा, तो आप चाहते हो तो ये 4 प्लेइंग में से जो है ये हो सकते हैं जिनको आप पिक करके जा सकते हो, तो यहाँ पे अभी हम रिजवान को जो है पिक कर सकते हैं। बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में देखोगे तो बाबर का जो है वो फॉर्म अभी उतना अच्छा जो है वो है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है पिक करके जाएंगे, लेकिन ODI फॉर्मेट है तो कुछ भी जो है वो हो सकता है, तो आप पिक करके चाहते हो और पाकिस्तान में खासकर पाकिस्तान का प्लेयर का परफॉर्मेंस जो है आपको थोड़ा बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है, तो वैसे सिनेरियो में जो हम लोग लेके जा सकते हैं। उसके बाद देखोगे यहाँ पे तो देखो बाबर, इस वजह जो है इमाम, इस वजह जो है फकर, इस वजह जो है इतफकार,
तो ये जो है पाकिस्तान के कुछ बैटिंग के जो है प्लेयर्स आपको दिखाई देंगे, जिसमें से जो आपको पिक किया जाना। तो यहाँ पे हम लोग बाबर को लेते हैं, इसके अलावा इमाम पर रहेंगे तो इमाम को लेंगे, या फिर बकर है तो बकर को जो है आपको पिक करना है, इसके अलावा इफ्तिकार को जो आप पिक कर सकते हो। इसके अलावा एक आप जो है यहाँ से बैटिंग के लिए जो हम लोग एक जो है आपको बुटेन को जो है वो पिक कर लेते हैं नेपाल की तरफ से। तो ये जो है टोटल अभी तक हमने 5 प्लेयर पिक किए, जिनमें से 4 अभी पाकिस्तान के हैं और एक जो है नेपाल के हैं। ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर में देखोगे तो अभी का जिस तरह का जो है वो परफॉर्मेंस है और आपको अच्छा देने मिलेगा उसमें आप देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान के प्लेयर की बात करते हैं तो सदाब है, इसके अलावा नवाज़ है, इसके अलावा जो है फहीम है। तो अगर इसमें से देखोगे ना तो अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो सदाब के साथ जाएंगे, सदाब को फॉर्म भी जो है जिस तरह का अभी पहले जो फॉर्म था वो अभी नहीं है, क्योंकि अभी जो आप देखोगे ना तो 100 हुआ था उसमें भी देखोगे तो बहुत बड़ा फॉर्म जो है कोई नहीं देखने मिला, लेकिन हाँ फिर भी हम लोग ODI है तो ODI फॉर्मेट में जो है थोड़ा सा फॉर्म आराम आराम से आता है तो पिक करके जा सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो धी सिंह हैं इनको जो है पिक करते हैं नेपाल की तरफ से, और एक प्लेयर जो हम लोग और अभी पिक करेंगे तो वो जो हम लोग नवाज़ को यहाँ पे जो है पिक कर लेते हैं, या फिर जो आप चाहो तो फहीम को पिक कर लेते हो, जो भी प्लेइंग में रहेगा उसको पिक कर लेना। इसके अलावा बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग में देखोगे तो यहाँ पर उनको जो है शाहीन को जो है उन्हें लेते हैं, हारिस को ले लेते हैं, इसके अलावा जो है आप यहाँ पे नसीम शाह को लेना चाहते हो ले सकते हो, फिर मोहम्मद असीम जूनियर को चांसेस कम है प्लेइंग में रहने का तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो ले लिया। आप देखोगे तो यहाँ पे प्लेयर जो है ना ये हमने काफ़ी 18 साल जो है वो कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने बात किया जाए तो देखोगे तो यहाँ पे जो प्लेयर है ना टोटल 9 जो हमने पाकिस्तान से ले लिया है, जो कि इतना हमें लेना नहीं है, हमें कितने लेने हैं, हमें लेने हैं 7। तब इस वजह से जो हम लोग प्लेयर छाटते हैं कि कौन से जो प्लेयर जो है हमारे काम का नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे तो हम लोग जाते हैं बैटिंग में, तो बैटिंग में जो हम लोग एक जो है निकाल लेते हैं किसको फकर को जो है वो निकाल देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ऑलराउंडर में दलवाना में हम लोग किसको जो है नवाज़ को निकाल देते हैं, और यहाँ पे जो है के मौला को जो हम लोग ऑलराउंडर में लेते हैं, और बॉलिंग में जो है एक हम लोग या तो संदीप नामी छाने को ले लेंगे या फिर जो है यहाँ पे के करण को जो है वो पिक कर लेंगे नेपाल की तरफ से। तो अब जो हमारा कॉम्बिनेशन देखोगे ना तो बिल्कुल जो कॉम्बिनेशन हम लोग चाहते हैं वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया है, और इसे जब रिसेंट जो है मैं ऐसे देख सकते हो। तो आप देखोगे तो बैटिंग के लिहाज से जो हमने कितने प्लेयर जो है वो पिक किया है, तो बैटिंग के लिहाज से जो है ये पूरा बैटिंग डिटेल्स है, उसके वजह से देखोगे ना तो ये वाला जो है ना ये बैटिंग ऑल ऑर्डर डिविडेंड से जो आपको देने मिल जाता है, और उसके वजह से बॉलर देखो तो बॉलर भी जो हमने काफ़ी अच्छा खासा जो है पिक कर रखा है। तो वैसे सिनेरियो में आपको जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस टीम से परफॉर्मेंस जो आप देख सकते हो। अब कैप्टन वाइस कैप्टन जो है वो हमारे टीम में रह जाता है, तो किसको लेके चलेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं ना तो यहाँ पे कैप्टन जो है मैं अभी के लिए जो है शाहीन को बना के चाहूँगा। शाहीन में क्योंकि नेपाल का जिस तरह का बैटिंग सीनरी है ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकेट जो है फास्ट बॉलरों को मिलने वाला है पाकिस्तान के, तो उसी सीनरी में शाहीन को जो है पिक भी जा सकते हो। अगर आप नहीं भी जाते हो तो वाइस कैप्टन के तौर पर जो है वो जा सकते हो, और कैप्टन के तौर पर जो है आप यहाँ पे बैटिंग में जो है जा सकते हो या तो रिजवान के साथ या फिर बाबर के साथ, तो जिसका फॉर्म अभी अच्छा दिख रहा है उसके साथ जो है आप यहाँ पे जा सकते हो। तो ये जो है आपको मैं अभी रिजवान के साथ जो है कैप्टन के जो है वो जा रहा हूँ, और वाइस कैप्टन के तौर पर आप शाहीन को या फिर हारिस को जो है लेके जा सकते हो, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। और यहाँ से आप अब जो है फाइनल टीम परफॉर्मेंस देख सकते हो, ये जो है आपको टीम जो है वो आप GL के लिए खेल सकते हो, स्मॉल लीग के लिए खेल सकते हो, इसके अलावा आपको और भी टीमें चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको इसे सर्च से मिल जाएगा। साथ में आप मुझसे जुड़ सकते हो विनर सेशन एंट्री के लिए व्हाट्सएप पे, जिसका नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होप सो इंटरेस्टिंग लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।